Welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I will show you that how to design this beautiful pintux abaya for Ramzan special. So let's see how to do this step by step. So first of all guys, for this beautiful pintux abaya, here I am using 3.5 meter crinkle fabric, and the width of this fabric is 61 inches and the length of this fabric is 3.5 meter. So guys, in this video हम एक medium size abaya की designing करेंगे, जिसकी ready measurement आप हमारे screen पर देख सकते हो. So ready length 49 inches, bust 36 inches, armhole 8 inches. Again, I am reminding you, the width of this fabric is 61 inches and the length of this fabric is 3.5 inches. So guys, इस video मैंने medium size abaya design किया है and the measurement is according to my size. You can adjust the measurement according to your size. So first of all guys, हम fabric को two fold कर लेंगे. So this is my two fold fabric here, you can see easily. And after folding, the length of this fabric is 60 inches and the width of this fabric is also 60 inches. So यहाँ two fold करने के बाद हमारी fabric की length and width 60 inches रहेगी. Then उसके बाद हम fabric को ऊपर से one more time fold कर लेंगे. So यहाँ मैं fabric को fourth fold कर रही हूँ. ऐसे second time fold करने के बाद ये हमारा fabric fourth fold हो जाएगा. Here you can easily see this is my 4 fold fabric here. So fabric को ऐसे 4 fold करने के बाद हम abaya की marking करेंगे. So basically ये हमारा abaya circular fabric से cut होगा. So सबसे पहले इस abaya में हम neck की marking करेंगे. इस type से हम fabric को 4 fold करने के बाद ऊपर की ओर से 5.5 inches का mark करते हुए एक circle बना लेंगे. Circular motion में हम neck की cutting कर लेंगे. So guys, after that हम armhole की marking करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैं 10 inches पर mark कर रही हूँ. So medium size के लिए आप 10 inches का armhole ले सकते हो. अगर आपकी size ज़्यादा है तो आप 11 या 12 inches ले सकते हो. So इसमें हम shoulder mark नहीं करेंगे, direct armhole mark करेंगे. Then उस bust के लिए marking करेंगे and bust के लिए यहाँ मैंने 12 inches लिया है. So according to my measurement, my bust fitting is 36 inches. So 36 inches divided by 4 plus 3 inches losing is equal to 12 inches. So यहाँ मैं बस्ट के लिए 12 इंचेस का मार्क करूँगी. So ऐसे ही सेम हमें वेस्ट की मार्किंग कर देनी है. वेस्ट की मार्किंग के लिए वेस्ट फिटिंग डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंचेस लूजिंग, जो हमारा 10 या 11 जितना भी आएगा वो हम वेस्ट के लिए मार्क कर देंगे. देन उसके बाद हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे. एंड लेंथ के लिए मार्किंग के लिए यहाँ मैं 49 इंचेस मार्क कर रही हूँ. एंड गाइस, डिज़ाइनिंग होने के बाद इस अबाया की लेंथ 49 इंचेस ही रहने वाली है, जस्ट बिकॉज इसमें जो स्लिप साइड होंगी वो हमारी ऊपर की ओर से तिरछी टाइप में होंगी, जिसमें हल्की सी स्लिप्स हमारी ऊपर से निकली हुई रह जाएंगी अबाउट 1 or 2 inches. सो जैसे कि ऊपर से निकल जाएंगी और नीचे से थोड़ा सा हमारा 1 or 2 inches का फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा. सो वो मेजरमेंट हमारी हो जाएगी. सो डिजाइनिंग के बाद ये हमारे अबाया की लेंथ 49 इंचेस ही रहने वाली है. सो 49.9 इंचेस की लेंथ सर्कुलर मोशन में मार्क होने के बाद हमने जो मार्किंग की है उसको इजीली हम कट कर देंगे. सो गाइस, कटिंग होने के बाद जो हमारे नीचे से फैब्रिक बच जाएगा उसी से हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर देंगे. सो ये फाइनली हमारी कटिंग हो गई है. देन उसके बाद हम 15 इंचेस का मार्क करके 3-3 इंचेस की पिंटक्स के लिए मार्क करेंगे.
है। सो गाइज यहाँ मैं 3-3 इंचेस का गैप लेकर सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सो इस स्ट्रेट लाइन में पिनटक्स बनाने के लिए कर रही हूँ। अगर आपको पास पास पिनटक्स बनानी है तो आप थोड़ा पास पास लाइन ड्रॉ कर देंगे, अदरवाइज 3 इंचेस का मार्जिन लेके ऊपर की ओर एंड देन नीचे की ओर हम थोड़ा स्पेस देकर ये लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। सो फाइनली गाइज यहाँ पिनटेक्स के लिए हमारी लाइन ड्रॉ हो गई हैं। देन उसके बाद हम बैक पार्ट को एक साइड कर लेंगे एंड फ्रंट पार्ट को दोबारा से 2 फोल्ड कर लेंगे। जो एक साइड लाइनिंग ड्रॉ हुई हैं उनको हम अपने सेकंड साइड में टैप टैप करके ट्रेस कर लेंगे। फाइनली गाइज ये लाइंस हमारे फ्रंट पार्ट पर अच्छे से ट्रेस हो गई हैं। नाउ हम इन लाइंस के ऊपर पिनटक्स बनाते हुए स्टिचिंग देंगे। सो यहाँ हम इसी लाइन को ऐसे दोनों साइड से पकड़ेंगे। देन उसके बाद हम ये जो हमारी लाइनिंग हल्की हल्की सी दिख रही है इसी के ऊपर हम इसी के आइडिया से स्टिचिंग दे देंगे। सो वन बाय वन हम ऐसे ही सारी लाइंस पर अच्छे से पिनटक्स बना लेंगे। सो गाइस बेसिकली ये करना बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल है एंड करने के बाद इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था। सो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ किस टाइप से हमें पिनटेक्स देनी है। सो इसी लाइन को हम फोल्ड कर लेंगे। देन उसके बाद स्ट्रेटली फैब्रिक को हल्का सा पकड़ते हुए स्ट्रेट करते हुए हम स्टिचिंग दे देंगे। सो स्टिच होने के बाद हमारे पिनटेक्स का लुक कुछ इस टाइप से आएगा, यू कैन ईजीली सी। सो वन बाय वन ऐसे ही सारी पिनटक्स को कंप्लीट कर लेंगे। हमने मार्किंग पर यहाँ फाइनली सारी ही पिनटक्स को कंप्लीट कर लिया है एंड पीछे से ये कुछ इस टाइप से दिखेंगी। सो गाइज यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स फॉरवर्ड टू द सेकेंड स्टेप। सो सेकेंड स्टेप के लिए यहाँ मैं बैक पार्ट लूँगी एंड बैक पार्ट को मैं अपने फर्स्ट पार्ट के साथ अच्छे से प्लेस कर दूँगी। सो यहाँ दोनों ही पार्ट्स को मैं फैला कर उसके बाद आलपिन का यूज़ करते हुए दोनों ही पार्ट्स को एक दूसरे के साथ सेट कर दिया है। As you already know guys, जब भी हम किसी भी फैब्रिक में पिनटक्स बनाते हैं तो हमारे फैब्रिक की लेंथ और भी थोड़ी सी कम हो जाती है। सो इसीलिए यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट को आलपिन्स के साथ सेट करने के बाद जो बैक पार्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। देन उसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। सो बेसिकली इस अबाया की जो स्लीव्स की कटिंग होगी वो नॉर्मल स्लीव से थोड़ा अलग होंगी। सो उसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है जो इस अबाया से कटिंग होने के बाद नीचे की साइड से बचा था, उसी फैब्रिक को यहाँ मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। एंड 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक लेंथ 27 इंचेस एंड विड्थ 9 इंचेस रहेगी। सो आई एम मेजरिंग 27 इंचेस फॉर लेंथ एंड आफ्टर 4 फोल्डिंग 9 इंचेस फॉर स्लीव विड्थ। सो गाइस स्लीव की कटिंग अबाया के आर्म होल के अकॉर्डिंग ही होगी। सो फर्स्ट यहाँ मैं 2.5 इंचेस का शोल्डर मार्क करूँगी। देन उसके बाद स्लीव्स पर हम आर्म होल डीप लेंगे। सो यहाँ 10 इंचेस का हमने आर्म होल डीप लिया है जैसा कि हमारा ऑलरेडी आर्म होल 10 इंचेस आया है। देन उसके बाद हम शोल्डर की 2.5 की मार्किंग के बाद जो हमारा 10 इंचेस आर्म होल डीप आया है उसी को दोनों पॉइंट्स को हम एक साथ करके ज्वाइन कर देंगे। देन उसके बाद स्लीव की रिस्ट के लिए मार्किंग करेंगे जिसके लिए 7.5 इंचेस मार्क करने के बाद स्लीव की शेप दे देंगे। सो यहाँ स्लीव की शेप दे दी है। देन उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। सो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। सो बेसिकली इस स्लीव्स में मैं नीचे की ओर कफ ऐड करूँगी। सो इसीलिए ये लेंथ मैंने 27 इंचेस ली थी। दोनों ही स्लीव्स को ओपन करने के बाद हम स्लीव्स को आर्म होल से ऐड कर देंगे। ये हमारी स्लीव कटिंग को हम आर्म होल के साथ ऐड कर देंगे। सो बेसिकली गाइस इस टाइप के अबाया में आपको फर्स्ट स्लीव ऐड करनी है एंड फिटिंग देनी है, देन उसके बाद ही हम नेक की डिज़ाइनिंग करते हैं। सो ऐसे ही मैंने किया है। सो मैंने अपनी फर्स्ट दोनों ही स्लीव्स को आर्म होल के साथ ऐड कर देना है। देन उसके बाद फिटिंग की स्टिचिंग दे देनी है जिसके लिए फर्स्ट मैं रिस्ट के लिए 3 इंचेस का मार्क करूँगी नीचे की ओर। सो दोनों ही स्लीव्स पर मैं 3-3 इंचेस का मार्क कर रही हूँ। सो ये मार्क मैं इसलिए कर रही हूँ, ये स्लीव्स हमारी कफ वाली स्लीव्स रहेंगी जिसमें मैं बटन यूज़ करूँगी।
सो सबसे पहले हम अबाया के साथ स्लीव्स को स्टिच करेंगे। सो वन बाय वन करके हम दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। देन उसके बाद जो हमने 3 इंचेस का मार्क किया था उसको छोड़ते हुए स्लीव्स की फिटिंग दे देंगे। देन उसके बाद अबाया की दोनों ही साइड्स को हम स्टिचिंग दे देंगे। सो वन बाय वन अबाया की दोनों ही साइड्स को हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम बॉटम पार्ट को फोल्ड करेंगे। हल्का सा फोल्ड करते हुए हम बॉटम पार्ट पर पीको कर देंगे। सो फाइनली गाइस सारी ही स्टिचिंग्स दे दी हैं। बॉटम में हमने पीको किया है। पीको करने के दो बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। सेकंड, इसमें फैब्रिक थोड़ा सा ही जाता है, हमारी ड्रेसेस की लेंथ को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ स्लीव्स भी ऐड कर ली हैं। एंड स्लीव्स में यानी स्टार्टिंग में जो स्लीव्स में 3 इंचेस का मार्क किया था उस फैब्रिक को भी यहाँ मैंने स्ट्राइप से फोल्ड कर लिया है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हम कफ ऐड करेंगे। अबायो को राइट साइड में टर्न कर लेंगे एंड टर्न करने के बाद नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो यहाँ आलपिन लगाकर हमने फैब्रिक को एक साथ सिक्योर कर लिया है, जिससे कि कटिंग करने में, फिनिशिंग देने में इजीली हो। सो यहाँ मैं आलपिन का यूज़ करते हुए नेक को एक दूसरे के साथ अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद जो ऑलरेडी हमने कटिंग की हुई है उसको सिर्फ मार्किंग करके हल्का सा फिनिशिंग दे देंगे, जिससे हमारी नेक लाइन अच्छे से बन जाए। सो यहाँ मैंने हल्की सी फिनिशिंग देते हुए, मार्क करते हुए नेक को कट कर लिया है। सो गाइज, नेक की डिज़ाइनिंग करने के लिए हम बहुत सिंपल एंड इजी मेथड यूज़ करेंगे। सो उसके लिए यहाँ मैंने एक स्ट्रिप को ले लिया है, जिसकी विड्थ हमारी 2.5 इंचेस है। सो इस 2 फोल्डेड स्ट्रिप को हम इस टाइप से नेक पर रखते हुए स्टिच कर देंगे, फर्स्ट स्टिच दे देंगे। देन उसके बाद इस स्ट्रिप को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए प्रेस स्टिच दे देंगे। सो यहाँ फर्स्ट स्टिचिंग देने के बाद स्ट्रिप को अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। देन उसके बाद हम प्रेस स्टिच दे रहे हैं। सो गाइस, वेरी सिंपल एंड इजी मेथड का यूज़ करते हुए हम नेकलाइन को कंप्लीट कर लेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट इज़ लुकिंग सो नाइस, सो यू कैन सी द फिनिशिंग इजीली। इट इज़ आल्सो लुकिंग टू फिनिशेबल। नाउ गाइस, इट्स टाइम टू कंप्लीट फाइनल स्टेप। सो यहाँ हम स्लीव्स पर कफ ऐड करेंगे। सो जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैदरिंग देंगे। सो स्लीव के बॉटम में यहाँ मैं छोटी छोटी नीडल से गैदरिंग दे दूँगी। यू कैन सी इस टाइप से आप छोटे छोटे टक्स लगाकर गैदरिंग दे देंगे। छोटे छोटे टक्स देने के बाद थ्रेड को पुल करते हुए हम सारी गैदरिंग्स को इक्वल कर लेंगे। देन उसके बाद कर्व की डिज़ाइनिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक लिया है, जिसके ऊपर पेस्टिंग फैब्रिक को चिपका दिया है, जिसकी भी 3.5 इंचेस लेंथ 11 इंचेस एंड पेस्टिंग फैब्रिक स्ट्रिप लेंथ 8.5 इंचेस विद 1 इंचेस। देन कफ पार्ट के निकले हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए पिन से सिक्योर कर देंगे। देन उसके बाद जो स्लीव्स में हमने बॉटम में गैदरिंग सेट की थी, स्लीव्स के बॉटम पार्ट और एंड कफ पार्ट को एक साथ रखते हुए एक स्टिचिंग दे देंगे। सो यहाँ मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ कैसे करना है। सो यहाँ स्लीव्स की गैदरिंग्स एंड कफ के फैब्रिक दोनों को एक साथ मिलाते हुए स्टिचिंग देना है एंड 2 इंचेस का गैप आगे की ओर दे देना है, जिस पर हम बटन ऐड करेंगे। सो ये हमारी गैदरिंग्स वाला पार्ट कफ से ऐड हो गया है। दूसरी भी साइड को हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। देन उसके बाद थर्ड साइड से भी थोड़ा सा फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग और दे देनी है। सो गाइस, हाफ कप रेडी हो गया है। आफ्टर दैट पेस्टिंग स्ट्रिप के नीचे वाले फैब्रिक को हम गैदरिंग के ऊपर की ओर रखते हुए ऑल साइड्स में स्टिचिंग भी दे देंगे। सो ये हम फाइनल स्टिचिंग दे रहे हैं।
सो गाइज यहाँ स्टिचिंग करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारा गैदरिंग वाला फैब्रिक प्रॉपरली अंदर की ओर चला जाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना होना चाहिए। देन उसके बाद कफ के फोर साइड्स में एक वन प्रेस स्टिच और दे देंगे। सो उसके बाद ये हमारे स्लीव का फाइनल लुक है। देन उसके बाद हमने यहाँ एक बटन भी ऐड किया है, जिसके लिए हमने बिग साइज़ का एक बटन ऐड किया है एंड दूसरी साइड काज रेडी किया है। एज सेम एज फोर बटन्स मैंने अबाया के फ्रंट में भी यूज़ किए हैं। दिस इज़ माई बिग साइज बटन, यू कैन चूज द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस पिंटक्स अबाया। आई होप गाइज यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड हाउ वॉज माई टूडेज वीडियो एज वेल एज एंड सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल ऑल्सो। द नेम ऑफ माई सेकेंड चैनल इज रूबी डेस ट्यूटोरियल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल बी ऑल्सो देयर विद माई न्यू ड्रेसेज। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू ओनली गुड थिंग्स एंड थैंक्स फॉर watching.